जिला सोलन के अर्की उपमंडल के तहत राजकीय माध्यमिक पाठशाला सोहरा कनेता में स्कूल प्रबंधन समिति व समस्त ग्रामीणों द्वारा स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष कृष्ण चंद ने की। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में केवल एक एक अध्यापक के सहारे ही स्कूल चल रहा है, जिस पर सभी ने चिंता जाहिर की और विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान एसएमसी प्रधान कृष्ण चंद सहित अन्य सदस्यों द्वारा जल्द ही प्रदेश सरकार से अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए गुहार लगाई गई, ताकि इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। नमस्कार जी, मैं एसएमसी प्रधान सोरा कनेता से कृष्ण चंद ठाकुर। आज एसएमसी की बैठक थी, जिसमें सभी अभिभावक व समस्त ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे थे। तो कुछ एक मुख्य समस्याओं के बारे में यहाँ पे सामने आई, यहाँ पे अध्यापकों की बहुत कमी है। यह स्कूल लगभग एक अध्यापक के सहारे प्राइमरी स्कूल, जिसमें लगभग 30 बच्चे हैं, और माध्यमिक स्कूल जिसमें 13 बच्चे हैं, वो भी एक अध्यापक के सहारे चल रहा है। गत 2-3 महीने पहले भी हमने प्रशासन को अवगत करवाया था, उस समय भी यहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं था। तो यहाँ पे 2 अध्यापकों की नियुक्ति हुई, जो आजकल रिसेंटली 2-3 दिनों में उनका यहाँ से तबादला हो गया है। तो हमारा सरकार और प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि ये बच्चों का बिल्कुल पीक टाइम है, जब पेपरों का टाइम है, और एक अध्यापक इतने सब्जेक्ट और इतने क्लासों को कैसे संभालेगा, और साथ में क्लैरिकल काम भी बहुत होता है। तो मेरा प्रशासन से यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। सिटी चैनल के लिए अर्की से शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।